नाम प्रियंक गुप्ता के चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्रियंक गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को बजा देना। तो आज हम जो चाय आपको बनाना बता रहे हैं ना, आप इस तरह से आप चाय बनाओगे कि आपकी चाय बहुत टेस्टी बनेगी। और आज मैं बना रही थी और हस्बैंड बोले कि अब प्रियंका तुम क्या बना रही हो, मैंने कहा तुम्हारे लिए चाय बना रही, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। तो जो व्यक्ति को चाय के शौकीन है आप इस तरह से चाय बनाइए। तो हमने उनसे बोला आप अपने हस्बैंड से आप तो देखिए केवल और पीकर बताना। तो यहाँ पर आपको हम बनाना बताते हैं। सबसे पहले आपको चार दिया या दो दिए ले लेना है। तो आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन हो तो वो भी ले सकते हो। और यहाँ पे हम तंदूरी चाय बनाना बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें दो दिए को रखना है, फिर उसमें आधा ग्लास मैंने पानी डाला है, फिर आपको सौंफ, काली मिर्च, इलायची, लौंग ये डाल देना है। थोड़ा बॉयल पानी हो जाए, हमेशा चाय बनाओ तो थोड़ा पानी बॉयल हो जाए तभी डालना चाहिए। फिर आपको उसी में चाय की पत्ती और शक्कर डाल देना है। और फिर इसके बाद थोड़ा पानी अच्छे से बॉयल होने लगे, फिर मैंने यहाँ पर एक कप बनानी थी तो मैंने एक कप ही दूध डाला है। फिर दूध में थोड़ा बॉयल होने लगे ना जब, तो आपको क्या करना है, अदरक हमेशा बाद में डालना चाहिए। जो कुछ को मतलब कुछ लोग होते हैं तो अदरक पहले ऐड कर देते हैं, नहीं अदरक हमेशा बाद में डालना चाहिए, इससे उसमें स्वाद बहुत अच्छा अदरक का आता है। फिर इन दियों को अदरक डाल दिया है, फिर मैंने अच्छे से इसको बॉयल करना है 10-15 मिनट के लिए। जब तक चाय अच्छी नहीं खोल जाए तब तक स्वाद नहीं आता है। और फिर इन दियों पर चलाते हुए, चम्मच से चलाते हुए इनको अच्छे तरह से तंदूरी चाय को अच्छे तरह से कुक कर लेना है। फिर यहाँ पर आप 10 मिनट बाद आपको मेरी चाय बन गई है। फिर इनको दियों को अलग कर देना है, फिर इसको छान लेना है। और मैंने यहाँ टोस्ट के साथ सर्व किया है। ये तंदूरी चाय बनकर तैयार है। अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को पिलाइए। अच्छा लगे प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कर लेना।